नमस्कार भैया बहन, हम लोग बात करते हैं क्लास 8 फिजिकल एजुकेशन लेसन 5। हम लोगों ने इसमें मांसपेशी संस्थान, रक्त प्रवाह संस्थान, श्वसन संस्थान और उत्सर्जन संस्थान के बारे में पढ़ लिया। उसी लेसन का लास्ट टॉपिक है पाचन संस्थान यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। हर व्यक्ति अपने शरीर को सुंदर गतिशील बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ खाद्य पदार्थों का प्रयोग करता है यानी ग्रहण करता है। वो खाद्य पदार्थ हमको क्या देते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं, जिससे हम ऊर्जा को पाकर किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो हम किसी कार्य को नहीं कर सकते। वो ऊर्जा हमको कहाँ से प्राप्त होगी, कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने पर ही प्राप्त होगी। तो ये पाचन संस्थान उसी के अंतर्गत आता है कि इन पाचन संस्थानों के अंतर्गत कौन कौन से अंग अपना कार्य करते हैं। जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं वो हमारे विभिन्न अंगों के द्वारा पाचित होकर यानी अवशोषित होकर निरर्थक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। वो पाचक पदार्थ यानी कि अवशोषित होकर हमको ऊर्जा देने का काम करते हैं। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं जो हमारे पाचक संस्थान में कार्य करते हैं। जैसे पहला है, आपने देखा होगा शुरू कहां से होता है, मुख, जीभ और दांत। कोई भी भोज्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ हम जब ग्रहण सबसे पहले मुख में करते हैं तो उस मुख में दांत उसको तोड़ने फाड़ने और चीरने का काम करते हैं। उस भोज पदार्थ को जब हम काटते फाड़ते चीरते हैं तो हमारे मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, लार छोड़ती हैं, जिसके द्वारा वो क्या बनता है, लुगदी बनता है। चिकना पदार्थ छोड़ती है जिसके द्वारा वो लुगदी बनता है और वो लुगदी जब हो जाता है तो जीभ के द्वारा वो सरक कर नीचे जाता है, तभी नीचे जाता है। जब उसको जीभ क्या करती है, उसको सरकाने का काम करती है। अर्थात अगर वो लिक्विड ना बने, लुगदी ना बने तो क्या होगा, उसको सरकाने में या उसको आगे भेजने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। इसीलिए जो मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती है उसको लुगदी बनाने का काम करती है। अब यहां से भोजन जब लुगदी बन करके नीचे जाता है अगले हिस्से में पहुंचता है तो उसको बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली, तो ग्रास नली क्या होता है, हमारे गर्दन के पास होता है। उस ग्रास नली में जिसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, उस ग्रास नली में जब भोजन जाता है उसी ग्रास नली के पास श्वास नलिका भी होती है। आपने देखा भी होगा कभी कभी हम यानी कि हमारे श्वास नली में वो भोजन के कुछ कण पहुंच जाते हैं जिसके द्वारा क्या होती है, व्यक्ति को खांसी उत्पन्न होती है और उस खांसी के द्वारा उस भोजन के कण को बाहर निकाला जाता है और वो बाहर निकलता है। वो जब तक निकलता नहीं तो तब तक व्यक्ति को खांसी आती रहती है। इसलिए कहते हैं कि खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो वो जो भोजन के कुछ कण है वो श्वास नली में जा सकते हैं, क्योंकि ग्रास नली के पास होते हैं। अब अगर यहां से जाने के बाद ग्रास नली में भोजन पहुंचता है तो वहां पर पहुंचता है आमाशय में। आमाशय में ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा एक थैली नुमा होता है, ऐसे थैली नुमा होता है। वो क्या करता है, जब भोजन इसमें जाता है तो उन आमाशय के अंतर्गत झिल्लियों के द्वारा छोटी छोटी जो ग्रंथियां पाई जा रही हैं, उस ग्रंथियों के द्वारा आमाशयिक रस यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ा जाता है, जो भोजन को क्या करते हैं, अवशोषित करने का काम करते हैं, उसको पाचित करने का काम करते हैं, उसको पचाने का काम करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि जो आमाशयिक रस होता है वो उसको पचाने का काम करते हैं। अब जब यहां से भोजन पचता है यानी अवशोषित होता है लगभग लगभग, फिर वहां से भोजन पहुंचता कहाँ है, अगले पार्ट में पहुंचता है यानी अगले अंग में पहुंचता है, उसको बोलते हैं लीवर यानी यकृत। यकृत में पहुंचता है, ये क्या, एक
ग्रंथि होती है जो शरीर के अंगों के लिए क्या विशेष प्रकार का स्राव करती रहती है, और ये यकृत जो है अगर किसी व्यक्ति का लीवर लीवर का फंक्शन सही नहीं हो रहा है तो उस व्यक्ति को कहते हैं कि लीवर आपका काम सही नहीं करता, उस व्यक्ति को जॉइंटिस यानी पीलिया रोग हो सकती है। अगर वही पीलिया विकराल थोड़ा सा बड़ा रूप धारण कर लेती है तो बाद में हेपेटाइटिस नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। तो इस लीवर का कार्य करना सही से कार्य करना आवश्यक है। अब यहां से भोजन पहुंचता है तो इस यहां से पहुंचने के बाद भोजन अगले हिस्से में पहुंचता है, उसको बोलते हैं आंत। आंत सबसे पहले आंत दो होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो वहां लगभग भोजन सब पाचित कर लिया जाता है, यानी कि जो भी चीजें होती है वो पाचित हो जाती है। जो निरर्थक पदार्थ बचते हैं, अवशिष्ट पदार्थ व्यर्थ पदार्थ बचते हैं, उस छोटी आंत के द्वारा वो आगे सरककर बड़ी आंत में जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, और उस बड़ी आंत में जाने पर वहां लगभग कोई भी एंजाइम या पाचक रस नहीं पाया जाता है। उस निरर्थक पदार्थ को बड़ी आंत क्या करता है, उसको गुदे के पास पहुंचा देता है और गुदा द्वार के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये थे पूरे पाचन संस्थान के अंतर्गत कार्य करने वाले अंग, कौन कौन से अंग हमारे कार्य कर रहे हैं पाचक संस्थान के अंतर्गत, जिनके द्वारा भोजन पाचित हो रहा है या क्या नाम से अवशोषित हो रहा है। ये था पूरा लेसन 5 का टॉपिक। अब अगला लेसन 6 है जो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।